यह फैसला किया कि हम अपने भारत को और भारतवासियों को उस अंग्रेज के जंजीरों से छुड़ाकर ही दम लेंगे और ऐसा उन्होंने कर दिखाया। 14 अगस्त 1947 ईस्वी की रात नहीं उसे इस धरती का भूत चटाकर, इतना ही नहीं उसे इस छठे का दूध याद दिलाकर इस देश से सदा के लिए रवाना कर दिया गया। और फिर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हमारा देश उसके पूर्णतः आजाद हो गया। मानो तो एक ऐसा सूरज निकला जिससे अंधेरे का नाम और निशान मिट गया हो। आजादी की खबर सुनते ही देशवासियों को खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसके पांव जमीन पर है या नहीं है इसका भी अनुभव नहीं हो रहा था। इन सभी नजरिया को देख कर हमारे देश के वीर नेताओं ने यह फैसला किया कि आज से प्रत्येक 15 अगस्त को भारत को एक दुल्हन की तरह सजाकर सभी घटनाओं को पुनः दोहराया जाएगा, ताकि अगर फिर से कोई हमारे देश पे बुरी नजर डालने की कोशिश भी करे तो उसके अंग अंग रू रू या सोच कर ही कांप उठे। ऐसा हमारे देश के हर पार्षद ने इस फैसला को स्वीकार किया और तब से लेकर आज तक हम प्रत्येक 15 अगस्त को इसे एक त्योहार से बढ़कर ही मनाते आ रहे हैं। मैं अपनी वाणी को इतना ही बातें कहकर इस पर विराम देती हूँ। साथ ही साथ मैं अपनी संस्था में एक शेर सुनाना चाहती हूँ। हे खुदा तू अपनी अदालत में मुझे जमानत रखना, हे खुदा मैं इस दुनिया में रहूं या ना रहूं, मैं इस दुनिया